कलाकार वही जो किरदार को जीवंत कर दे। फ्रेंच, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। मैं आभारी हूं ब्रूटस का, जिन्होंने मुझे इस सभा में बोलने की इजाजत दी। लेकिन ना तो मेरे पास शब्द हैं, ना व्यंजना है, ना व्यक्ति। लेकिन अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी, तो एक ऐसा एंटनी आपके समक्ष खड़ा होता जो आपके दिलों को झकझोर और सीजर के घावों को इतना मुखर कर देता कि रोम के पत्थर भी बोल उठते, बगावत, बगावत, बगावत। अरे वाह सर। तो ये है, भूल जाना होता है अपने आप को। चरित्र जो है उसमें आप समा गए हैं, तब बनता है एक जीवंत चरित्र। एक्टर क्या करता है, चरित्र तो किताबों में सोया पड़ा है, वहां से उठा के उसमें जान डालता है, और ऐसी जान डालता है कि लोगों में जान आ जाती। तालियां झोंक दो, तुम नहीं सिर्फ कैरेक्टर हो। इतने दिनों से तुम टाल मटोल कर रही थी, कल तुमने वादा किया था कि तुम आज रीडिंग करके आओगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तुम्हें शब्द खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा बयां कर रहा है। इसका मतलब मुझे यह लगता है कि आपके लिए यह प्रायोरिटी नहीं है। जब फोकस्ड हो जाना, जब तुम्हें लगे कि अब तुम तैयार हो, अब तुम कुछ कर सकती हो, अपने दिमाग को केंद्रित कर सकती हो, तब मुझे फोन करना। मुझे अब किताब के पन्ने की दरख्तों से झांकती हुई उस फ्लोरा के किरदार को बाहर लाना था, और साथ ही साथ उसे निभाना भी था। रोशनदान से और अंदर जाइए। मुझे फ्लोरा का किरदार जीने के लिए फ्लोरा से जुड़े हर वो किरदार को महसूस करना था, अब चाहे वो फ्लोरा का बेरहम बाप ही क्यों ना हो। जहां फ्लोरा का डर उसके बाप को लेकर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, वहीं फ्लोरा के मन में एक आजादी की आगाज होने को थी। अरे बिटिया, तो हाथ तभी तो ठीक है, कहां इतनी देर लगा दी तूने? अब्बू, पन्ने पलटते हुए कहानी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे फ्लोरा के अरमानों की ऊंचाइयां आसमान को छूने को थी। मेरे लिए किताब के किरदार बढ़ते जा रहे थे।
जिसे वो किसी से कहना चाहती थी। फ्लोरा की खुशियां खुले आसमान में उड़ रही उस तितली की तरह होती जा रही थी, जो जब चाहे अपनी मर्जी से उड़े, घूमे और अपने पसंद के फूल पर जा बैठे। फ्लोरा के ऊपर उसके बाप के जुल्म और बंदिशें बढ़ती जा रही थी। अब मेरे सामने तीन फ्लोरा थे, एक मुस्कुराती हुई साजिश से भरी फ्लोरा, एक खामोश बैठी कुछ सोचती हुई और तीसरी मैं। कहानी खत्म होने को थी और फ्लोरा आजाद।
जी सर। सर मेरा कैरेक्टर रेडी है, मैं बस निकल ही रही हूँ। आज हमारे शो की पहली रिहर्सल है, हम लेट हैं। कम ऑन। कलाकार पानी के जैसा होता है, जिस रंग जिस आकार में ढालना चाहो वो ढल जाता है।